बैंक मोड़ ओवरब्रिज को लेकर रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द ही बेयरिंग बदलने और जॉइंट रिपेयरिंग का काम भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पुल पर कुल 18 पिलर पर 180 बेयरिंग की गई है और इसके निर्माण को लेकर मेंटेनेंस को लेकर अब ये पुल वन वे किया जाएगा। फिलहाल आपको हम दिखाएंगे कि अभी कैसे एक तरफ में जो है कंस्ट्रक्शन की जो कार्य है वो जारी है। आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि पिछले कई सालों से इस पुल के पुनर्निर्माण को लेकर लोगों की ओर से मांग की जा रही थी और फिलहाल अब ये जो कार्य है वो लगातार आगे जारी है। आपको बता दें कि सबसे इसकी जो बेयरिंग है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई और ये कहा जा रहा था कि कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मेंटेनेंस का शुरू कर दिया गया है। सैनफिल इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट की ओर से ये काम किया जा रहा है और प्रशासन के इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रशासन जैसे ही अनुमति देगी इसे वन वे कर दिया जाए। आपको बता दें कि बैंक मोड़ का ये ब्रिज वो ब्रिज है जिसे लाइफलाइन ऑफ धनबाद सिटी कहा जाता है। यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिलती है और अब क्योंकि ये वन वे हो जाएगा ऐसे में वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये वे जो है वो बंद हो जाएगी और अगले 2 महीने तक ये वन वे ही रहेगा। ऐसे में व्यापारियों को क्या कुछ परेशानी होगी इसको लेकर हम कुछ व्यापारियों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम राजेंद्र मार्केट में मौजूद है और यहाँ के व्यापारियों से बातचीत करके हम जानने का प्रयास करते हैं कि जब पुल को ब्रिज को वन वे किया जाएगा अगले 2 महीने के लिए तो इससे इनके व्यापार पर क्या असर देखने को मिलता है। हम जानना चाहेंगे कि अभी जो फैसला लिया गया है पुल के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जा रहा है, एक लंबे समय से मांग थी, लेकिन फिलहाल वन वे जो किया जा रहा है उसका क्या असर यहाँ के व्यापारियों पर देखने को मिलेगा, यहाँ के व्यापार पर देखने को मिलेगा? देखिए, पहला बात तो ये है कि अगर ये वन वे नहीं है तभी समाज का व्यापार काफ़ी प्रभावित है। जब वन वे नहीं है, जब दोनों वे चालू है तब, इसका मतलब है कि बैंक मोड़ जो है ट्रैफिक की समस्याओं से जो है लगातार जूझ रहा है। और जो वन वे की बात आ रही है, वन वे होगा क्योंकि पुल की रिपेयरिंग करनी है, एक प्रक्रिया है वो सरकार करेगी, इसमें कहीं कोई आपत्ति भी नहीं है और हम चाहेंगे तो भी उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार से प्रशासन से आग्रह होगा अगर वो वन वे करते हैं तो जो सेकेंड वे है वो कितना सुलभ है, वो कितना अतिक्रमण मुक्त है, कितना वहाँ गाड़ियाँ आराम से जा सकेगी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी जब समय आ गया है कि हमें रिपेयरिंग का प्रक्रिया चालू हो जाना चाहिए तो मेरे ख्याल से तो प्रशासन को 1 महीना पहले ही जो है उस प्रक्रिया में हाथ लगा लेना चाहिए था कि कोई बात, अभी 7 दिन का समय है, अगर प्रशासन चाहेगा तो बरमसिया रोड, मनीटाण, हावड़ा मोटर के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, ये सारे रोड ही काम आएंगे सेकेंड वे के लिए। उस वे को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए ताकि हम थोड़ी बहुत उसका फ़ायदा उठा सकें। नहीं तो क्या होगा, अभी जब वन वे नहीं है, टू वे है, तब तो शहर जाम था, रेंग रहा था और अगर इसमें इसका समुचित उपाय नहीं किया गया तो ये जाम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, गाड़ियाँ चलेगी भी नहीं, धसकेगी भी नहीं। तो प्रशासन से आग्रह होगा वन वे करें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सेकेंड वे को जो है इतना दुरुस्त कर दे कि भविष्य में वो हमारे वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है धनबाद को न्याय मिल जाए। वैकल्पिक मार्ग जो है वो सही होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या अभी आने वाले 1 हफ्ते के बाद को सबसे पहले तो सोचना चाहिए था कि वैकेशन अभी 2 महीना नहीं था, उसी 2 महीने के बीच में अभी बच्चे लोग का स्कूल चालू है, उस वक्त बच्चे क्या करेंगे, कैसे चले तो जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, उनके पेरेंट्स कहाँ इंतज़ार करेंगे, कहाँ पर उनका स्टॉप बनेगा, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या आएगी। ये प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि 2 महीने से जब वैकेशन था तभी ये कर लेना चाहिए था, अभी जाग रही है सरकार, पता नहीं क्या कैसे होगा, ये तो मुश्किल होगा, व्यापार करना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन अब और अभी भी हो रहा है और अभी आगे और क्या होगा भगवान मालिक है। दोपहर के वक्त अक्सर जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तब ट्रैफिक की समस्या होती है और अब अगर वन वे हो जाएगा तो वाकई में एक चिंता वाली बात सामने आ रही है। आपके हिसाब से क्या और परेशानी हो सकती है और आपके हिसाब से अभी भी 1 हफ्ते का वक्त है, प्रशासन को किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए सरकार को? प्रशासन को जिस समय अभी सेकेंड वे दो उनको अपने आप में कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। वन वे में किसी को तो इतराज़ नहीं है क्योंकि देखिए पुल बहुत पुराना है, इसकी रिपेयरिंग भी होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जब ये वन वे हो जाएगा तो इसका दूसरा रास्ता तो खोलना ही पड़ेगा सर, किसी कीमत पर भी खोले। अब जैसे आजकल DAV स्कूल से बगल होते हुए बरमसिया होकर वो जा रहा है, वो अतिक्रमण मुक्त हो जाए, बड़ी गाड़ियाँ आराम से आए जाए या हावड़ा मोटर होकर जाए या कोई भी अन्य विकल्प, कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इससे सरकार से अनुरोध होगा कि कम से कम दूसरा रास्ता दुरुस्त करें ताकि बच्चों के भी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना आए। स्कूल बसें को जानती है आज का सवेरे स्कूल बसें तो भीड़ रहती है, पूरी ट्रैफिक जाम होती है, इससे इसको ट्रैफिक का थोड़ा सा निदान तो उनको करना ही होगा। हम लोग को इनका पीछे नहीं है कि भाई हम लोग इसको नहीं बनने देंगे, हम लोग चाहेंगे जरूर बने, लेकिन उसका विकल्प व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल,
काफ़ी वर्षों से ये मांग थी कि पुल को पुनर्निर्माण कराया जाए, जो कि वाकई में एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आम पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपके हिसाब से क्या अभी एक हफ्ते का वक्त है, क्या प्रशासन को अभी भी करना चाहिए वन वे होने के पहले कि आम पब्लिक को और व्यापारियों को परेशानी ना हो? देखिए, जो भी है सरकार को व्यापारी के हित को देखते हुए स्टेप उठाना चाहिए, और जिससे आने वाले ग्राहकों को, आने जाने वाले स्कूली बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि लंबे समय से मांग थी, फाइनली अब कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना आम पब्लिक को ही करना पड़ रहा है। ये अचानक नहीं होना चाहिए था, और अचानक अगर हो रहा है तो उसके पहले प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था आने जाने का करना चाहिए था। जैसे वन एक ही रूट है पुल के होकर के, और ये पुल दोनों तरफ से आना जाना होता है, और दूसरा रूट अभी उतना तंदुरुस्त नहीं है। जैसे मनीटांड हीरापुर होते हुए अगर जाता है तो वो रास्ता बड़ा सकरा है, जहाँ तहाँ जाम हो जाता है, पूरी तरह से चरमरा जाता है वहाँ का यातायात। तो सरकार को चाहिए या प्रशासन को चाहिए कि जो वैकल्पिक रास्ता पहले तैयार करे, चाहे उसमें 10 दिन लगे या 2 महीना लगे, वैकल्पिक रास्ता तैयार करने के बाद अगर पुल को वन वे करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना व्यापारियों को दिक्कत है, ना स्टूडेंट को दिक्कत है, ना काम करने वाले कर्मचारियों को दिक्कत है, ना यहाँ पर रहने वाले जो आम आदमी है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात प्रशासन को सोचना चाहिए। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानते हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं राजेंद्र मार्केट के। अभी जो पुल निर्माण को लेकर वन वे करने का फैसला लिया गया अगले हफ्ते से, क्या असर दिखेगा इसका अगले 2 महीने तक? देखिए, पुल रहते हुए भी आज भी परेशानी तो है ही, पुल बंद करने के बाद क्या परेशानी होगा वो तो लोगों को ऐसे ही पता चल रहा। जो इसका जो वैकल्पिक जो रास्ता है, अब प्रशासन को अवसर मिला है कि उस रास्ते को जो है सुचारू रूप से बढ़िया करे, ताकि आदमी उससे भी आवाजाही किया जा सके। बिल्कुल, देखिए इसमें जो है ना, इसी बता रहे हैं, ये धनबाद प्रशासन के लिए भले एक बार ये आपदा दिखाई पड़ रही है कि वन वे हो जाएगा, और मुझे इसमें अवसर दिखाई पड़ रहा है। शायद इस अवसर का अगर प्रशासन पूरी तरह इस्तेमाल करे, जो वैकल्पिक मार्ग जो होंगे उस मार्ग को अगर पूरी तरह दुरुस्त कर दे, चौड़ा कर दे, तो ये वन वे जब ख़त्म भी हो जाएगा, रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी, तो धनबाद को एक चौतरफा रास्ता नया मिल जाएगा। प्रशासन को चाहिए इस मौके का फ़ायदा उठावे, वो जो दूसरा रास्ता है, जो हमारी जो मोहल्ले की सड़कें हैं, मोहल्ले से टेलीफोन एक्सचेंज रोड है, इसको इतना दुरुस्त कर दे कि बाद में शायद ये जो वन वे बना है पब्लिक अपने आप ही उस वन वे का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो इन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि भले ही फिलहाल ये आपदा नज़र आ रहा है, लेकिन इसे अवसर में बदला जा सकता है, क्योंकि पुल जब सही थी, पुल जब दोनों वे से चालू थी, तब भी ट्रैफिक की समस्या काफ़ी आम थी बैंक मोड में, खास करके हमेशा से ट्रैफिक की समस्या जो है वो धनबाद में लाइमलाइट में रही है। और अब क्योंकि वन वे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसके लिए एक लंबे समय से मांग की जा रही थी, तो उसके बावजूद उसको लेकर लोगों के अंदर एक खुशी देखने को मिल रही है कि ये जो मांग है वो पूरी हो रही, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर पुल का सही समय पर पुनर्निर्माण नहीं कराया जाएगा तो शायद कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो लोगों के एक लंबे मांग के बाद पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वन वे करने का जो फैसला है और वैकल्पिक मार्ग नहीं जो तैयार किया गया, उसको लेकर लोगों को कंसर्न है। लोगों का कहना है कि अगर अभी भी एक हफ्ते का टाइम है अगले 2 महीने तक, क्योंकि एक ही रास्ता रहेगा वन वे रहेगा, तो वैकल्पिक मार्ग अगर तैयार हो जाता है तो ना सिर्फ वो अगले 2 महीने के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म भी धनबाद के लोगों के लिए एक सौगात बनकर सामने आएगा। तो देखते हैं कि क्या एक हफ्ते जो वक्त है, क्या प्रशासन इसमें वो जो वैकल्पिक मार्ग है, जो कि मनाईटाड़, हावड़ा मोटर्स, पुराना बाजार, हीरापुर के जो अंदर के जो रास्ते हैं, उसको अगर सही ढंग से वो बना लेती है या सुचारू ढंग से उसमें अतिक्रमण हटा देती है, तो इसका असर जो है साफ तौर पर आम पब्लिक को देखने को मिलेगा, व्यापारियों को देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ स्कूल से जो बच्चे रिटर्न आएंगे उनको परेशानी ना हो। तो फिलहाल देखते हैं कि इस एक हफ्ते में प्रशासन क्या कुछ फैसला करती है, और 2 हफ्ते जो वन वे का रास्ता रहेगा उसमें आम पब्लिक को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही पुल जो तैयार हो जाएगा, इसके बाद धनबाद के लोगों के लिए ये एक साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक ये गिफ्ट के तौर पर नजर आएगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।